हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स फिर से स्वागत करता हूँ आप लोगों को इस चैनल में। तो फ्रेंड्स देखिए ये मोबाइल मेरा कैसा दिख रहा है। अगर जैसे आप ये देख सकते हैं, अगर आप मोबाइल स्क्रीन को ऑफ करते हैं, जो लॉक करते हैं, तो इस तरह से आप लोगों का टाइम लाइव बताएगा। ये देखिए सब कुछ यहाँ पे बताएगा, डेट टाइम कितना मिनट हुआ है वही सब सेकंड वगैरह सभी बताएगा, चार्ज कितना है सभी बताएगा। ये देखिए कि इस तरह का इंटरफेस है इसका। तो इस वीडियो को जानने के लिए आगे तक वीडियो देखते रहिए। चलिए आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए। तो इस वीडियो को आपको जानने के लिए इस फुल वीडियो देखना पड़ेगा, तो इसलिए स्किप मत कीजिए, एंड तक देखते रहिए। मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो चलिए डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना और उसके बाद इंस्टॉल कर लेना उसको। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये पहले आपको डिजेबल मिलेगा, उसको आपको इनेबल कर देना है। इनेबल करके आपको उसको यहाँ पे देखिए, नीचे बहुत सारे सेटिंग्स है, यहाँ पे आप जाके एक कस्टमाइज कर सकते हैं मैन्युअली। ऊपर देखिए एज कर्व है, ये जो साइड का कर्व है उसको आप एज को कैसे कर्व करते हैं या स्क्वायर रखते हैं उसके बारे में है। उसके बाद यहाँ देखिए आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देखिए देख सकते हैं इस तरह का आपका मोबाइल स्क्रीन शो होगा। तो बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो फिर से देखिए यहाँ पे देखिए, ये अपडेट मांग रहा है। और यहाँ पे देखिए वॉच फेस को देख लेते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे वॉचेस हैं जो स्क्रीन आपके मोबाइल पे शो होंगे, बहुत सारे हैं यहाँ पे। तो आप देख लीजिए कुछ कौन सा आपके पसंद आता है, वही लगाइए। मेरा वाला ये लगाया हूँ, तो जैसे कि आपको जो पसंद आएगा वही आप लगाइएगा। तो यहाँ से एक और एक दी, यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से बहुत सारे बैकग्राउंड मिल जाएगा यहाँ पे आप लोगों को, बहुत सारे मतलब 20-25 तो मिल जाएंगे यहाँ यहीं पे बैकग्राउंड। और उसके बाद यहाँ से आप उसको सिलेक्ट करके रख सकते हैं, बैकग्राउंड की तरह काम करेगा। और यहाँ पे देखिए ये टेक्स्ट है, ये डिज़ाइन, इसको डेट टाइम बैटरी जो शो होगा आपका उसी का फॉन्ट स्टाइल है, तो उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे कैलेंडर देख लीजिए, कैलेंडर यहाँ पे लिमिटेड है, ज़्यादा नहीं है कैलेंडर। तो देखिए यहाँ पे सिलेक्ट थीम दिया हुआ है, एक सैमसंग का दिया हुआ है, एक बाई डिफॉल्ट दिया हुआ है। तो सैमसंग का अगर सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह से, जैसे कि सैमसंग का आता है तो उसी तरह से ये भी दिखाएगा, तो आप बेटर होगा आप डिफॉल्ट रहने दीजिए। ओके उसके बाद ये यहाँ पे देखिए नीचे चलिए, ये ब्राइट ऑटो ब्राइट भी दिया हुआ है यहाँ पे, आप ऑटो ब्राइट भी रख सकते हैं। उसके बाद कलर अनालॉग साइज़ के कितना साइज रखना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे आप मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज क्या रखना चाहते हैं, जो बैटरी परसेंटेज लिखा होगा, टाइम लिखा होगा, वो फ़ॉन्ट साइज़ कितना रखना चाहते हैं, वहीं से सब कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए सो AM PM टाइम का AM या PM। उसके बाद यहाँ पे 24 आवर्स का फॉर्मेट भी आप चेंज कर सकते हैं। कई सारा यहाँ पे ऑप्शन है जो आप डाउनलोड करके देख लीजिए एक बार, उसे तो आपको समझ में आएगा। और नीचे देखिए सबसे अच्छी चीज़ इस एप्लीकेशन का ये मुझे लगा, यहाँ पे फीडबैक देने का, यहाँ पे रेटिंग देने का ये दिया हुआ है, और यहाँ पे शेयर करने का भी। तो ये था एप्लीकेशन, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।